वैक्सीनेशन के दौरान बघेल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 से ही बंद राज्य के स्कूल और कॉलेज को खोलने को हरी झंडी दी गई है। बघेल कैबिनेट ने स्कूल और कॉलेज को 15 फरवरी से खोलने की परमिशन दी है। इसकी जल्द ही गाइडलाइन भी जारी होगी। हाल ही में कोचिंग सेंटर्स खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद से ही स्कूल खोलने को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही थी और अब इस पर निर्णय ले लिया गया है। पहले प्रदेश के सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तथा विश्वविद्यालय और जो सभी प्रशिक्षण के कौशल विकास के कार्यक्रम चलाते हैं ऐसे कॉलेज और स्कूल 15 फरवरी से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। अभी बच्चों का प्राइमरी और मिडिल स्कूल का निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन नवीं कक्षा के बाद से सारी कक्षाएं 15 फरवरी से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने इस पर अपने अपने तरीके से राय दी है। 9वीं से 12वीं तक खोलने का फैसला सरकार लेती है तो ये एक अच्छा फैसला है। अब काफी हद तक कोविड नियंत्रण में है और उम्मीद है लेकिन कि 9वीं से ऊपर का ही रखें, छोटे बच्चों का भी बिल्कुल ना रखें, क्योंकि नियंत्रण में है, ये अच्छी बात है। नियंत्रण से बाहर ना चला जाए, ये भी एक सतर्कता अभी भी बरतने की ज़रूरत है। इस वजह से छोटे बच्चों का बिल्कुल नहीं खोला जाना चाहिए और प्रिकॉशंस स्कूल को लेने की जिम्मेदारी है, क्योंकि भले ही बच्चे 9वीं से ऊपर जो होते हैं वो थोड़े समझदार होते हैं लेकिन वो सोशलाइज बहुत करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर डिसाइड करती है स्कूल खोलना तो वी हैव टू फॉलो, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस हो, प्रॉपर सर्वे हो हर स्कूल का, सैनिटेशन प्रॉपर है, सीटिंग प्रॉपर है, बैठक व्यवस्था प्रॉपर है, बच्चे प्रॉपर मास्क और सैनिटाइज होके आ रहे हैं, सैनिटाइजिंग चेंबर हो उससे निकलें और एक क्लास में 10-15 से दो एक एक मीटर दो दो मीटर के डिस्टेंस तो होना चाहिए। वी हैव टू टेक प्रिकॉशन, नहीं तो फिर एक बार बच्चों में कोरोना स्प्रेड हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बीजेपी ने स्कूल खोलने के फैसले का विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि सत्र लगभग कंप्लीट हो चुका है, ऐसे में सरकार को स्कूल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और अभी स्कूल खोलने से कितना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि कुल मिलाकर के हम अन्य सत्रों को देखेंगे तो फरवरी और मार्च परीक्षा का समय है, परीक्षा सीधा होनी चाहिए, क्लास लगाने का तो बहुत ज़्यादा उसमें है नहीं, किंतु छत्तीसगढ़ में अभी भी कोरोना के प्रकरण पर डे आ रहे हैं, मृत्यु लगभग रोज हो रही है। यह कहना कि पूरी तरह से सेफ है तो मुझे लगता है उचित नहीं है, अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन स्कूल खुलना अब तय हो गया है, जल्द ही गाइडलाइन भी जारी हो जाएगी, पर यह आने वाला समय ही बताएगा कि बच्चों को स्कूल भेजने में अभिभावक कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं और स्कूलों में क्या तैयारी होती है और बच्चे खुद कितने उत्साहित हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने की तैयारी हो चुकी है। बात कर ली जाए 9वीं से 12वीं तक की, तो आज कैबिनेट में इस बात का फैसला हो गया कि सरकार 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने जा रही है। महामारी इस वक्त लॉक है लेकिन सियासत इस पर नॉन स्टॉप चल रही है। जी हाँ, 15 तारीख से स्कूल कॉलेज खुलेंगे, गाइडलाइन भी जारी होगी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आ रही हैं। पेरेंट्स भी थोड़े चिंतित ज़रूर हैं, उनका मानना है कि बच्चे बड़े ज़रूर हैं लेकिन उनकी नज़र में छोटे ही हैं और सोशलाइज बहुत करते हैं। इन बच्चों को ग्रुप बनाने से रोकना और एक डिस्टेंस मेंटेन करना जैसी चीज़ें बहुत मुश्किल भरी होंगी। हालांकि स्कूल संचालक तैयार है, उनका कहना है कि सरकार जो गाइडलाइन देगी उस हिसाब से चला जाएगा। विपक्ष ने इस पर जरूर सवाल उठाया। विपक्ष का कहना है कि सत्र लगभग कंप्लीट हो चुका है, ऐसे में कोई ज़रूरत नहीं थी स्कूल खोलने की। चर्चा आज इसी पर होगी, बड़ा अहम मसला है, बच्चों से जुड़ा मसला है, तो समझिए सभी से जुड़ा मसला है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत स्वागत आपका। अमित श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। अभिभावक के तौर पर हमारे साथ प्रीति उपाध्याय जी हैं, बहुत स्वागत आपका भी। बांधी जी, स्कूल खोलने का फैसला सरकार ने कर लिया है, 9वीं से 12वीं तक स्कूल खुलेंगे, कॉलेज भी खुलने जा रहे हैं, क्यों आप लोगों को लगता है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए? इसमें ऐसा है अभिषेक जी कि पूरा सत्र
कोविड के कारण खत्म हो चुका है। ये जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, प्रतिपक्ष के नेता जी ने, हम लोगों सबका विचार यही है कि पूरे सत्र कंप्लीट हो गया है, अब परीक्षा की पारी है। इस पूरे परीक्षा के दौरान किस हद तक तैयारी कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, एक है, लेकिन हम जिस कारण से है वह कोरोना का। छत्तीसगढ़ में भी अभी कोरोना का प्रकोप घटा नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और फिर सरकार जो कोरोना की वैक्सीन को लेकर के भी कई प्रकार के भ्रम और एक वातावरण बना हुआ है, एक वो भी है, वैक्सीन भी हमारे पास करीब एक लाख पचासी हजार पड़े हुए हैं, जो उपयोग सरकार उसमें प्रश्न चिन्ह और भ्रम बना करके कर रही है, पूरे विश्व कर रहा है, पूरे देश कर रहा है छत्तीसगढ़ को छोड़कर, वो एक अलग विषय है। लेकिन कुल मिला करके अभी बला परेशानी टली नहीं है, हटी नहीं है, और इस सत्र में जिस परिस्थितियों में सरकार की है, सरकार को सावधानी बरतेगी, क्या क्या सावधानी गाइडलाइन बरतेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अपन नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अभी ब्रेक करके रखे हुए हैं तो बहुत अच्छा स्थिति में है, लेकिन जैसे ही अपन ओपन करेंगे तो संभावनाएँ हमारी बढ़ जाएगी। और क्या करें, अब तो एग्ज़ाम की पारी आ गया, समय तो आ गया है, एग्ज़ाम होगा मार्च में, फरवरी मार्च में, जिस तरीके से हो, ठीक। तो कुल मिला करके इस तैयारी में सरकार फिर खोलेगी, ठीक है। अभी श्रीवास्तव जी, क्या मंशा है सरकार बातों की, नौवीं से बारहवीं सरकार ने सोचा कि ये पूरा सत्र खत्म हो रहा है, काफ़ी नुकसान हो गया बच्चों का, और ये फैसला लिया गया, हालांकि गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल खोले जाएंगे। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, और आप लोगों की क्या सोच है कि स्कूल खोलने से इस वक्त क्या फायदा नजर आ रहा है? अभिषेक जी, देखिए, हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन जब हुआ तो लॉकडाउन में लगभग सारे स्कूल कॉलेज, स्कूल से लेके कॉलेज सारे बंद कर दिए गए, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि मार्च से लेकर आज तक स्कूल और कॉलेज बंद है, और लगभग भारत में अगर हम देखेंगे तो पूरे विश्व की यही स्थिति थी, और भारत में अगर हम देखेंगे तो इससे सफर होने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे से ऊपर तक लगभग 33 करोड़ के आसपास है। मैं आपको बता दूं कि अब संयम और संतुलन के साथ हम लोग जी भी रहे हैं, और अब हम लोग मेंटली, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि वी हैव टू लिव विद कोरोना। और बिल्कुल मेरे सम्मानित बड़े भाई भाजपा के प्रवक्ता कृष्णमूर्ति बांधी जी ने जो कहा कि, और सम्मानित हमारी भाभी जी ने भी जो कहा कि बच्चों की हम अभी स्कूल नहीं खोल रहे हैं, पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक की बच्चों की स्कूल नहीं खोल रहे हैं, नौवीं से बारहवीं तक हम खोल रहे हैं, और विश्वविद्यालय को परीक्षा खोल रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि छत्तीसगढ़ से पहले लगभग सितंबर के महीने में उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, ऐसे बहुत से स्टेटों ने स्कूल को खोला है। अब मैं आपको बता दूं कि वहां पर, और मैं एक और चीज बता दूं कि सरकार ने आज जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें ये कहा है कि गाइडलाइंस मंडे तक आ जाएगी। और जो मैं अभी आप स्टडी जब मैं कर रहा था तो देखिए स्थिति, अभी भैया ने भी कहा, कृष्णमूर्ति भैया ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति भगवान की दया से और हमारी सरकार की नीतियों की स्थिति नियंत्रण में है, और अब जो समय आ रहा है वो बच्चों के एग्जाम का है, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो 9 to 12, और चाहे कॉलेजेस के एग्जाम हो, तो प्रैक्टिकल का समय आ रहा है। अभी तक तो वर्चुअल क्लासेस चल रही थी, और जो सितंबर से जिस प्रदेशों में क्लासेस चालू हो गई अभिषेक जी, वहां पर ये कहा गया था कि दो पालियों में स्कूल लगेगा, सुबह 3 घंटे मॉर्निंग से मॉर्निंग लगेगा, उसके बाद 1 to 2 घंटे का ब्रेक होगा, पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा, क्लासरूम को सैनिटाइज किया जाएगा, और फिर सेकेंड फेज में स्कूल लगेगा, और सितंबर के महीने से, और दूसरे प्रदेशों में 19 अक्टूबर से लगभग स्कूल चालू हो गए हैं, और अभी फरवरी चल रहा है, हम तो बहुत बाद में खोल रहे हैं, जब शिक्षा जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनकी मांगों पे, अब बच्चों की भी मांग आने लग गई थी कि हमारे स्कूल कॉलेजेस खोले जाएं, तो ये सब को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। और फिर भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि अगर ये निर्णय यहाँ पर लिया तमाम गाइडलाइंस के मुताबिक, ये अगर अभिभावक नहीं चाहेंगे तो जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको, मैं अभिभावक की बात आपने हमें देखी, अभिभावक मेरे साथ बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। प्रीति जी, स्कूल खोलने का निर्णय हो गया है, हालांकि अभी नौवीं से बारहवीं तक के होंगे, और
एक एज ए अभिभावक आपको क्या लगता है, ये सही समय है या आप अभिभावक के दिमाग में क्या चल रहा होगा बच्चों को भेजने को लेकर इस वक्त? देखिए, कुछ हद तक शंकाएं अभिभावक के मन में रहेंगी, लेकिन इन शंकाओं को दूर करने के लिए SOPs जो सरकार लाएगी और उसका कितनी कड़ाई से पालन हो पा रहा है, यही इम्पोर्टेंट डिफाइनिंग फैक्टर रहेगा। 9वीं से ही कक्षा खोली जा रही है, 1 से 8वीं तक नहीं खोली जा रही, ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, ये तो बात सही है कि कोरोना का अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, काफी हद तक हमने नियंत्रण कर लिया है, ये सरकार की नीतियों का ही असर है। और जो अभिभावक या पूरे जो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, उन्होंने जो अपनी जिम्मेदारी समझी है, उसका नतीजा है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में उस कदर नहीं फैला। लेकिन अगर हम एग्जांपल देखें दिल्ली तक का, जहां सेकंड थर्ड वेव तक आया, वहां भी अब स्कूल खोले जा रहे हैं। और 9वीं से, जैसा अमित जी भी यहां कह रहे थे, देखिए 9वीं के प्रैक्टिकल्स होते हैं, 9वीं से ऊपर जो के जो बड़े क्लासेस है, प्रैक्टिकल के अलावा 10वीं का बोर्ड है जिनका या 12th का बोर्ड है जिनका, स्टूडेंट्स को बहुत डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें उन्हें वो टीचर्स से वन ऑन वन फेस टू फेस डिस्कस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि 9वीं से जो बड़े जो क्लास 9 में चले गए बच्चे, वो थोड़े समझदार होते हैं, हालांकि हम ये जरूर मानते हैं कि टीनेज में है और साल भर बाद मिलेंगे तो स्कूल को ये ध्यान देना होगा, वो सबसे पहले गले मिलना ही शुरू करेंगे, साल भर बाद बच्चे आपस में मिलेंगे, ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। तो इसमें SOPs का पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो समझा कर भेजे, हमारे बच्चों ने साल भर घर में बैठ करके अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है, तो आगे भी वो स्कूल में पूरे समझदारी रखेंगे, ये कॉन्फिडेंस छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स पे हमें रखना होगा। और एक चीज हम कहना चाहते हैं, यहाँ बांधी जी जो कह रहे थे कि देखिए, विपक्ष के नाते आपकी और हमारी एज अभिभावक भी कुछ कंसर्न्स हैं, तो हमारी हम अपनी जिम्मेदारी निभाकर कुछ सुझाव दें सरकार को, और जस्ट बिकॉज हमें अपोज करना है इसलिए हम अपोज ना करें, वरना मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने तो आखिर राज्य सरकारों को ही ये पावर दिया ना डिसाइड करने के लिए, वरना ये वो वहीं से डिसाइड कर लेते कि नहीं खोलना है स्कूल्स को अभी। ठीक है, अभिभावकों के दिमाग में भी थोड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया है, वो सोच जरूर रहे हैं कि बच्चे 9 से 12 तक के जरूर है। प्रीति जी भी बोल रहे हैं कि सरकार ने कुछ सोचा जरूर होगा, एग्जाम का समय है तो थोड़ी कुछ डाउट्स हैं। बांधी जी, वो क्लियर अगर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों के साथ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि SOPs का पालन बड़ी कड़ाई के साथ होना चाहिए, मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और बच्चे मिलेंगे इतने महीनों बाद तो स्वाभाविक सी बात है कि शुरुआती गले मिलने से हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग संभव है या होनी चाहिए? अभिषेक जी, सरकार जो गाइडलाइन बना रही है एक सिद्धांतों के आधार पर बनाएगी, लेकिन उसकी व्यवहारिकता का एस्पेक्ट ये रहेगा कि वो कितने पालन होगा कि नहीं होगा। दूसरी बातचीत है कि हम डिस्टेंस कायम करेंगे तो डिस्टेंस बच्चों का स्कूल के क्लासरूम में कैसे कितना कायम होगा, उस दर संख्या पे उस स्कूल की कैपेसिटी कैसी है, ये बहुत सारी व्यवहारिक बातें भी हैं। अब सैनिटाइजर की बातचीत है, सरकार सब इसमें कोई स्मोकिंग करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, ये गाइडलाइन में इनका है, अब वो कितने कर पाएंगे, ये कितनी जल्दी से अब कितनी व्यवस्था बनाने में, आज 13 तारीख है, 15 तारीख 2 दिन के अंदर कहाँ पे सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइज है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। हमारा मकसद इसमें प्रीति जी राजनीति करने का कतई नहीं है, बच्चों का सुरक्षा का दृष्टि से है, बच्चों की व्यवस्था के दृष्टि से, क्योंकि सरकार अभी बहुत परफेक्ट व्यवस्था बनाने में सफल नहीं हुआ है, कहीं न कहीं चूक होगा तो इसका परिणाम भी हम सबके सामने आएगा, बहुत बड़ी नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर इनका परफेक्ट हो सकता है, क्या कल्पना कर सकते हैं आप, ये 2 दिन के अंदर स्कूलों में, प्रत्येक स्कूलों में सैनिटाइजर की व्यवस्था बना सकते हैं क्या? ये क्या, ये जो सरकार की व्यवस्था है अमित, स्कूलों में कर पाएंगे ये जी? टीचर कर पाएगा ये जी? अमित जी, 2 दिन में क्या ये प्रॉपर व्यवस्था है, बेहतर उपाय? बांधी जी जो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, अब तो हो ही जो गया सवाल बच्चों का है हो गया जी। अमित जी,
आप प्रश्न रिपीट कर दीजिए, भैया बोल रहे थे तो समझ नहीं आया। जी जी अमित जी, बांधी जी बोल रहे हैं क्या 15 तारीख यानी आज 13 तारीख हो गई, 2 दिन के अंदर स्कूल तमाम व्यवस्थाएं कर पाएंगे व्यवहारिक तौर पर? जी देखिए, स्कूलों की तरफ से भी कई बार लापरवाही सामने आ जाती है। देखिए मैंने जैसे आज कैबिनेट की मीटिंग में भी कहा है कि परसों तक गाइडलाइंस आ जाएगी, और मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, वो गाइडलाइंस जो केंद्र सरकार जो स्कूलों में, जो उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तरांचल हो चाहे आंध्र प्रदेश हो पंजाब हो, जहां जहां स्कूलें खुली हैं, तो होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीनों ने जो गाइडलाइंस दी है और हमारे साथ जो राज्य सरकार की गाइडलाइंस है, चारों को फॉलो करके हम गाइडलाइंस बना रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं बता दूं, बांधी जी की बात में अभी सुन रहा था, उन्होंने जो चिंता व्यक्त की उनको मैं आंसर देना चाहता हूं कि 2 पाली में अगर हम क्लासेस लगाएंगे और 1 डेस्क पे अगर 1 स्टूडेंट बैठेगा, आधे बच्चे फर्स्ट फेज में पढ़ ले, सेकेंड फेज में दूसरे पाली में दूसरे जो आधे बच्चे हो वो पढ़ ले, तो बच्चों की पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। हम कोरोना संक्रमण के जो गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो भी कर लेंगे। देखिए सरकार की जिम्मेदारी हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने अगर भारी बहुमत से हमें जिताया है, तो एक एक छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारे सरकार की है, तो हम सारी चीजों को समझते हैं। और अब बच्चे भी हमारे समझदार हैं, जैसे अभी प्रीति जी कह रही थी, हमारे बच्चे बड़े समझदार हैं, अभिभावक भी अब सब चीजों को समझते हैं, और हम लोगों ने इस लड़ाई को सबने मिलकर लड़ा है, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, देश के सारे लोगों ने मिलकर लड़ाई को लड़ा है, हमारे बच्चों ने भी इसमें साथ दिया, और बच्चे अब हमारे समझदार भी हो चुके हैं, वो खुद जानते हैं कि उनको मास्क लगाना है और सैनिटाइजर उनको यूज करना ही है, डिस्टेंस उनको मेंटेन करना ही है। तो अब सिर्फ पढ़ाई, अगर देश की सारी चीजें अगर काम हो गई, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अगर देखेंगे अभिषेक जी, मैं अभी स्टडी कर रहा था, लगभग 300 से 350 डिस्ट्रिक्ट में अभी कोरोना के 1 भी पेशेंट नहीं मिल रहे हैं। तो क्या अब उचित समय नहीं है कि हम अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज हम ओपन करें, ताकि बच्चों का 0 ईयर भी मत हो, उनके एग्जाम और प्रैक्टिकल्स भी हो, ताकि हमारे जीवन के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है। अभी केंद्र ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें लाइब्रेरी और कोचिंग को भी ओपन करने की परमिशन दी है, तो क्या उसी से इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं राज्य सरकार को मिला? अभिषेक जी, जी अभिषेक जी, मेरा स्कूल खोलने पर खोलना चाहिए, बांधी जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन उस पर बरतने वाली बात है, गाइडलाइन की जो बात कर रहे हैं, गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, ये गाइडलाइन का पालन प्रशासन को करवाना पड़ेगा। अगर कहीं एक पालन से ये चूक है, ये इन्फेक्शन फैलने वाला चीज है, व्यापक तौर पर फैलता है, आप इसकी गंभीरता को आप इसी देख लीजिए कि कहीं से किस तरीके से फैलता है, एक आदमी है कितने लोगों को फैला सकता है, ये कॉन्सेप्ट अपन अच्छी तरीके से जान रहे हैं। सावधानी में केवल गाइडलाइन है, गाइडलाइन का अगर पालन कहीं नहीं हुआ, इस पर अगर गंभीरता से लिया नहीं गया, प्रशासन इसकी व्यवस्था को नहीं बनाएगा, तो ये व्यवहारिक दिक्कतों के कारण हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर दाव पे लगेगा। इसलिए चाहते हैं कि गाइडलाइन जो आप बना रहे हैं, गाइडलाइन जो बना रहे हैं उस पर आप बढ़िया सा फॉलो कराइए, बढ़िया सा आप करिए, कोई प्रॉब्लम, लेकिन इतनी अगर के पूरा सेशन आपने समाप्त कर दिया, ये सोच विचार पहले भी आ जाता तो भी और अच्छा रहता है ना, और भी बहुत अच्छा रहता है ना। अब ये प्रैक्टिकल बच्चों का बचा हुआ है, जी जी प्रीति जी, थ्योरी उनका होना है, सीजन में आ गया, बार बार यहाँ पर ये बात आ रही, 2 बातें सामने आ रही कि सत्र अब खत्म होने को है, आपने कहा कि डाउट्स क्लियर होंगे, लेकिन बांधी जी जो यहाँ पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अगर गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ तो, प्रीति जी, जी जी बिल्कुल गांधी जी की ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, और यही अभिभावकों की भी चिंता है कि SOP बन जाएगा और वो हिम्मत करके भेज भी देंगे तो देखिए स्टूडेंट्स खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हैं, इसकी इसका हमें भी विश्वास है। स्टिल ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत कड़ाई से पालन हो, स्कूल मैनेजमेंट भी सीरियस है इस चीज़ को लेकर, वो भी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है, हम पूरी तरह से उनको एक सीरियस से खारिज नहीं किया जा सकता कि वो सीरियसली फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद सरकार की
कि मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, पेनल्टीज होनी चाहिए एसओपी के अंदर ही कि अगर कोई भी स्कूल उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो फिर उनके साथ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये उसमें रहना चाहिए पहली बात। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक भी वैक्सीनेशन में हमने केवल उनको, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेशन उनका हो रहा है, कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स जिनके लिए अब स्कूल खोले जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स को भी अब प्रायोरिटी लिस्ट में लाना चाहिए और वैक्सीनेशन तेजी से होना चाहिए। वही गाइडलाइन है कि 18 साल से कम वालों को तो लगाना ही नहीं। एक पॉइंट हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कई जगह ये हुआ है कि इंस्टीट्यूशंस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट जैसे कोई फैक्ट्रीज हो सकती है या कोई कंपनीज अपनी की है, इसी तरह से स्कूल्स एंड कॉलेजेस मैनेजमेंट भी इस तरह की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके अगर सरकार उन्हें परमिशन दे तो बंसल न्यूज के माध्यम से हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे, दो अपील, कि आप इंस्टीट्यूशनल वैक्सीन्स को जो इंस्टीट्यूशंस लगा सके ये ऑथराइज करिए, नंबर वन, और नंबर टू हमारे स्टूडेंट्स को आप प्रायोरिटाइज करिए उनका वैक्सीनेशन। जी अभिषेक जी, ठीक है, प्रायोरिटाइज करिए, लेकिन जो वैक्सीन है कहा गया उसमें कि 18 साल से नीचे वालों को लगानी नहीं है, ये केंद्र की अपनी गाइडलाइन है, वहाँ पर जी, जो भी खुल रही है जी कॉलेजेस भी यहाँ पर खुल रहे हैं, तो ये चिंता की बात जरूर है। अमित जी, वैक्सीन उनके लिए है नहीं अभी फिलहाल, और जो टीचर रहेंगे मुझे लगता है कि अभी भी वो भी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है क्योंकि थर्ड फेज अभी बाकी है, 50+ वालों को लगना है, ऐसे में दोनों ही तरफ से वैक्सीन नहीं होगा, सिर्फ अगर कुछ होगा तो गाइडलाइन होगी और मॉनिटरिंग होगी। अमित जी देखिए, आज तक अगर आप देखेंगे तो हमारे बच्चों ने भी, अभिभावकों पे भी नहीं, और हमारे 36 करोड़ की 2.80 करोड़ जनता ने जन जागरण और जागरूकता दोनों का परिचय दिया है, और अगर केंद्र की रेटिंग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को अच्छी स्थिति उसमें मिली है। तो हम कह सकते हैं, जैसा बांदी भैया भी कह रहे थे और प्रीति जी भी कह रही थी, कि स्थिति छत्तीसगढ़ की नियंत्रण में है। बिल्कुल, एज अ अभिभावक, मेरा भी बच्चा पढ़ता है कॉलेज में, मैं आपको बता दूं कि हम भी उतने ही चिंतित है कि बच्चों को भेजना है कि नहीं भेजना है, आज हम भी डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। बिल्कुल, मैं बांदी जी को भी और प्रीति जी को भी सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार जो फैसले ली है, निश्चित तौर पे अगर कोई भी स्कूल कॉलेज इसमें कोई भी कोताही बरतेगा, निश्चित तौर पे उससे सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज, हमारे वो ननिहाल है जो अगर अपने पढ़ाई के लिए जा रहे हैं और अगर हम उनको ये कह रहे हैं कि अब स्कूल खुलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्थिति अब कहीं ना कहीं सामान्य हम स्थिति में है, इसलिए स्कूल को खुले जाना चाहिए और सब कुछ अभिभावकों के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि स्कूल के साथ साथ वर्चुअल क्लासेस भी उनकी चलेंगी। और रही बात पढ़ाई की, तो निश्चित तौर पे पढ़ाई भी उतनी जरूरी है, ये हम लोगों ने देखा है, बच्चे भी, जैसा मैंने कहा कि अब बच्चे समझदार हो गए और उनको भी समझ में आ गया है कि जो 10 महीने जीवन के गए हैं उन्होंने भी सारी चीजों को अडॉप्ट कर लिया है। आज अगर हम कहीं जाते हैं, अभिषेक जी आप मेरे बेटे से मिले हैं, अगर वो कहीं जाता है तो सबसे पहले अपनी मम्मी से ये पूछता है, मम्मी मेरा मास्क कहाँ है? तो आज बच्चा भी अभी वो चीज को जानता है कि अगर मुझको घर से बाहर जाना है तो वेयर इज माय मास्क, वो पहली चीज यही पूछता है। तो आज बच्चों को भी उतना ही सावधानी, बच्चे हमारे समझदार है, लेकिन सरकार निश्चित तौर पे जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए स्कूल को एक गाइडलाइंस जो मंडे के जारी होगी उसमें उनको चिन्हांकित किया जाएगा कि ये प्रोसेस से आपको पूरा करना है। बांदी जी, ठीक है, बांदी जी, स्कूल गाइडलाइन ये दो चीज और मॉनिटरिंग, ये तीनों पर सारा दारोमदार है माना जाए? देखो, सरकार पूरा, सरकार की पूरे विश्वास है कि बच्चों की समझदारी पर निर्भर कर रहा है। अगर बच्चे से कहीं चूक होता है तो फिर बच्चों की समझदारी के ऊपर ही जाएगा, प्रशासन की गाइडलाइन और उसकी व्यवस्था पर नहीं जाएगा। बच्चों के भविष्य को निर्धारण करने के लिए यही वर्चुअल स्टडी की कॉन्सेप्ट भी तैयार किया गया था, वो कितना सफल हुआ, कितना सफल सरकार की मॉनिटर के अभाव में वो कितना सफल हुआ, कितने लोगों का लाभ मिला, ये अभी अमित जी को भी अच्छी तरीके से जानकारी है। मेरा एक इतना ही विषय है कि गंभीरता अगर सरकार लेगी तब सफल होगा। अगर सरकार ने वर्चुअल स्टडी के बच्चों को करना है, पढ़ाना है, वह भी फेल खा गए, ऐसा ना हो, ये बहुत बड़ा गंभीरता से लेगी तो सफल होगा। गाइडलाइन के आधार पर ही देखिए, फेल लोगों पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा।
स्कूल कितनी सख्ती के साथ इन चीजों का पालन करते हैं, स्कूलों की मनमानी क्या रही है, ये आपने यहाँ पर देखा भी है कोरोना काल में, और इसको लेकर आप कोर्ट तक गई थी, तो क्या स्कूल गाइडलाइन का पालन करते हैं या प्रॉपर तरीके से चल पाएंगे आपको लगता है? प्रीति जी एक बार फिर से जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि स्कूलों के ऊपर काफी कुछ है, वो मॉनिटरिंग करेंगे, वो गाइडलाइन का प्रॉपर तरीके से पालन करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट बच्चों के पास होंगे, पर होना था फेल हो गया। स्कूलों की मनमानी कोरोना काल में बड़ी एक शिकायत अभिभावकों की रही है, आप हाई कोर्ट भी गई थी स्कूलों को लेकर, तो आपको लगता है कि स्कूल भरोसे लायक है इस बार? जी जी बिल्कुल, देखिए स्कूल पर भरोसा, फीस के मामले में जाना एक सेपरेट इशू था, और स्कूल पर अगर विश्वास और भरोसा नहीं होगा तो हम अपने छोटे बच्चों को, आज 6 से 8 घंटे तक हमारे बच्चे वहां रहते हैं, तो विश्वास और ट्रस्ट तो बहुत बड़ी चीज है जो है हमारे स्कूल्स पर, आज वो सेकेंड होम है बच्चों का, और काफी हद तक देखा जाए तो अगर बच्चे गेम्स वगैरह भी खेलते हैं तो वो घर से ज्यादा जगने वाले जो आवर्स है, सोने वालों को घटा दे तो स्कूल में ज्यादा बिताते हैं, और पेरेंट्स पूरे विश्वास के साथ छोड़ते हैं डे बोर्डिंग। चलिए विश्वास यहाँ पर बहुत अहम है, तो डेफिनेटली स्कूल मैनेजमेंट पे पूरा विश्वास है। मैं आपको माफी चाहूंगा, समय इतने ही मेरे पास आज है, तो स्कूल खुलने जा रहे हैं कुल मिलाकर 15 तारीख से, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा मॉनिटरिंग पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, चर्चा और भी बहुत कुछ हो सकती थी, समय आज मेरे पास इतना ही है, माफी चाहूंगा। 15 तारीख से स्कूल कॉलेज ओपन हो रहे हैं, गाइडलाइन भी सरकार यहाँ पर देगी, मॉनिटरिंग भी होगी, अभिभावकों को भी जिम्मेदारी समझनी होगी, बच्चों को भी समझाना होगा, स्कूलों को भी समझना होगा कि इस बार थोड़ी सी भी चूक भारी पड़ सकती है, तो समन्वय और विश्वास जैसे प्रीति जी भी बोल रही है उसके साथ स्कूलों के भरोसे अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ेंगे, और समझदारी के साथ सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज का मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।